हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1984 यानी 1984 में गर्मी की छुट्टियों में रिलीज हुई कुछ फिल्मों के बारे में। उस साल गर्मी की छुट्टियों में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, इन सभी कलाकारों की फिल्में बैक टू बैक रिलीज हुई। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी फिल्में थी और उनका बॉक्स ऑफिस पर क्या रिजल्ट रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 27 अप्रैल 1984 को रिलीज हुई फिल्म बाजी की। बाजी को डायरेक्ट किया था राजन सिप्पी ने और इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे धर्मेंद्र, रेखा, मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता, शक्ति कपूर जैसे कलाकार। फिल्म को छोटे सेंटर्स पर काफी पसंद किया गया और फिल्म कुल मिलाकर औसत सफलता हासिल करने में कामयाब रही। बाजी के साथ ही उस दिन रिलीज हुई थी शत्रुघ्न सिन्हा और जयाप्रदा की फिल्म भीमा। इस फिल्म का निर्देशन किया था दिनेश सक्सेना ने। ये डिलेड रिलीज थी और इसका इफेक्ट इस फिल्म पर पड़ा भी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। दोस्तों, इसके अगले हफ्ते यानी 4 मई 1984 को रिलीज हुई जितेंद्र की दो फिल्में एक साथ। उनमें से पहली थी मल्टी स्टारर मकसद, जिसमें जितेंद्र के अलावा राजेश खन्ना, जया प्रदा, श्रीदेवी, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकार थे। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा जितेंद्र के पिता की भूमिका में थे, मेहमान भूमिका में थे वो। मकसद बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। मकसद के साथ ही रिलीज हुई थी जितेंद्र और श्रीदेवी की ही एक और फिल्म अकलमंद, जिसका निर्देशन किया था राज भरत ने। मकसद के सामने अकलमंद ज्यादा नहीं टिक पाई, लेकिन इन सब के बावजूद ये अपनी लागत निकालने में कामयाब रही। दोस्तों, इसके अगले हफ्ते यानी 11 मई को कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई और इसके बाद 18 मई को रिलीज हुई दो बड़ी फिल्में, जिनमें से एक थी अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, प्राण की फिल्म शराबी, जिसका निर्देशन किया था प्रकाश मेहरा ने। शराबी भी उस साल की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई और शराबी के साथ ही लगी थी जितेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म कैदी। इस फिल्म का निर्देशन किया था SS रविचंद्र ने। इस फिल्म में हेमा मालिनी और रंजीत भी मुख्य भूमिकाओं में थे। कैदी भी छोटे सेंटर्स पर खूब चली और कुल मिलाकर ये औसत से ऊपर सफलता हासिल करने में कामयाब रही। और दोस्तों, इसके बाद मई के आखिरी हफ्ते यानी 25 मई को रिलीज हुई राजेश खन्ना, रेखा और रीना रॉय की फिल्म आशा ज्योति, जिसका निर्देशन किया था दासिनी नारायण राव। फिल्म बहुत बड़ी हिट तो नहीं रही, लेकिन ये भी कुल मिलाकर औसत सफलता हासिल करने में कामयाब रही। दोस्तों, इसी फिल्म के साथ रिलीज हुई थी उस दिन अनुपम खेर और रोहिणी हट्टंगड़ी की फिल्म सारांश। ये फिल्म अनुपम खेर की पहली फिल्म थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था महेश भट्ट ने। इनको लिमिटेड प्रिंट के साथ रिलीज किया गया था और बड़े शहरों में इस फिल्म ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और टिकट खिड़की पर ये अपनी लागत निकालने के साथ साथ मुनाफा कमाने में भी कामयाब रही। और सबसे बड़ी बात, इसी फिल्म ने दिया इंडस्ट्री को एक प्रतिभावान कलाकार अनुपम खेर। तो दोस्तों, ये थी 1984 में गर्मी की छुट्टियों में रिलीज हुई फिल्में, जिनमें राजेश खन्ना दो फिल्मों में, जितेंद्र तीन, शत्रुघ्न सिन्हा भी तीन, रेखा दो, श्रीदेवी दो, जया प्रदा भी तीन तीन फिल्मों में नजर आई। दोस्तों, आज की जनरेशन को ये फिल्में आउटडेटेड लगती हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन फिल्मों में वो सब था जो आज की फिल्मों में पूरी तरह से मिसिंग है, यानी कि कंप्लीट एंटरटेनमेंट। 2.5 से 3 घंटे के लिए सारी परेशानी भुलाकर दर्शक सिनेमा घर में जाते थे या फिर वीडियो पर फिल्में देखते थे और सब परेशानी अपनी भूल जाते थे। कुछ फिल्में अभी भी अच्छी बनती हैं, लेकिन उनकी गिनती बहुत कम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से किन्हीं और फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।